हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एल एल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ऐप का पैकेज नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो, पैकेज नेम चेंज करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो है तो आप इजिली पैकेज नेम चेंज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ एंड देखते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो में पैकेज नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। ऐप का पैकेज नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आना होगा एंड ये जो जावा की फाइल दिखाई दे रही है उस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम जावा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पैकेज नेम विजिबल हो जाएगा, इन डॉट आइडियल कोडर माई स्टोरी ऐप, ये हमारा पैकेज नेम है। और बिल्ड डॉट ग्रेडल में भी पैकेज नेम आपको दिखाई देगा, इन डॉट आइडियल कोडर माई स्टोरी ऐप। तो सबसे पहले हम इन डॉट आइडियल कोडर माई स्टोरी ऐप को यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं, जो आपको कॉम्पैक्ट मिडल पैकेज फोर्थ नंबर पे दिखाई दे रहा है जो टिक है, उसको हमें अनटिक करना होगा। जैसे हम इस पे अनटिक कर देते तो जो हमारा पैकेज नेम था इन डॉट आइडियल कोडर माई स्टोरी ऐप, वो अभी सेपरेट हो चुका है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो हमारा पैकेज नेम सेपरेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ का पैकेज नेम चेंज कर देते हैं बिल्ड डॉट ग्रेडल का। तो मैं इनको पहले चेंज कर देता हूँ कॉम में एंड आइडियल कोडर को चेंज कर देता हूँ आइडियल बोर्डर में। माई स्टोरी को आपको कर देता हूं ऐप स्टोरी। जैसे हम इसको चेंज करेंगे, सिमिलर चेंजेस हमें यहां भी करना होगा। इसके लिए हमें इस कॉम को कॉपी करना होगा कंट्रोल सी से एंड इन को सिलेक्ट करना होगा एंड इस पे राइट क्लिक करना होगा। जैसे हम राइट पे क्लिक कर देते बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जो आपको रिफैक्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक रखना है। बाद में आपको जो साइड में दिख रहा है रीनेम, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे सिलेक्ट कर देते तो रीनेम पैकेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस पे सिलेक्ट कर देते हैं, जो हमारा इन यहाँ पे था ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं एंड जो कॉम हमने कॉपी किया था एप्लीकेशन आईडी से, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड रिफैक्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अभी पूछ रहा है यहाँ पे हमें पूरे चेंजेस करने हैं। हाँ, हमें पूरे चेंजेस करने हैं, इसलिए हम डू रिफैक्टर पे चेंज कर देते हैं। आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे इन था वो अभी कॉम में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलर हमें जो आइडियल कोडर है उसको हमें आइडियल बोर्डर चेंज करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं कॉपी कर देता हूँ एंड आइडियल कोडर में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड जो आपको रिफैक्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड रीनेम में अगेन क्लिक करता हूँ। जो आपको रीनेम पैकेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जो आइडियल कोडर था इसको बैकस्पेस से रिमूव करता हूँ एंड जो आइडियल बोर्डर था जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ एंड अगेन रिफैक्टर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सिमिलर अभी डू रिफैक्टर पे अगेन क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो जो हमारा आइडियल कोडर था वो आइडियल बोर्डर में चेंज हो चुका है। अभी हमें माई स्टोरी ऐप को ऐप स्टोरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड माई स्टोरी ऐप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, मैं अभी रिफैक्टर पे क्लिक करता हूँ एंड रीनेम पे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है रीनेम पैकेज, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड जो माई स्टोरी ऐप था उसको मैं ऐप स्टोरी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया एंड रिफैक्टर पे अभी क्लिक करता हूँ एंड अगेन ये पूछ रहा पूरे हमें चेंजेस करने हैं, यस डू रिफैक्टर पे हमें क्लिक कर रहा है। जैसे हम डू रिफैक्टर पे क्लिक कर देते हैं तो माई स्टोरी ऐप का ऐप स्टोरी में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हमें सबसे पहले कोई भी जावा फाइल में आना होगा। जैसे हम जावा फाइल पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे टाइप करना होगा कंट्रोल शिफ्ट आर। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करते तो आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे पूछेगा रिप्लेस इन पाथ। हमें यहाँ पे वो टाइप करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट था एंड यहाँ पे हमें जो रिप्लेस करना है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ।
हमारे न्यू पैकेज नेम को मैं सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर देता हूँ एंड मेन एक्टिविटी में जाके कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर देता हूँ एंड रिप्लेस इन पाथ के जगह में जो हमारा पहले का पैकेज नेम था उसको हम यहाँ पे टाइप कर देते इन डॉट आइडियल कोडर माई स्टोरी ऐप। तो आप देख सकते हो जो हमारा पहले का पैकेज नेम था यहाँ पे अभी दो इसमें दिखाई दे रहा है एंड अभी हमें जो न्यू पैकेज नेम था यहाँ पे हमें वो पेस्ट करना है। कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर देता हूँ जो हमारा न्यू पैकेज नेम था कॉम डॉट आइडियल बोर्डर ऐप स्टोरी एंड अभी हमें रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है एंड अगेन अभी रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे जो भी हमारा पहले पैकेज नेम था वो अभी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अभी लास्ट स्टेप है, इस पे सिंक नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे हम सिंकिंग नाउ प्रोसेस करते हैं तो हमारा काम कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो हम तब तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ग्रिडल सिंक फिनिश हो चुका है 37 सेकेंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऐप का पैकेज नेम चेंज कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में होगा कि ऐप का पैकेज नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।